हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी है क्रिकेट के दीवाने तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो कर दीजिए सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, तो आई एम वेलकमिंग टू यू माय चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आईपीएल 2020 के बारे में बात करेंगे कि जो आईपीएल की अभी मीटिंग होने वाली है 17 जुलाई को, उसके बाद आईपीएल के बारे में क्या क्या फैसले लिए जाने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल आईपीएल को लेकर उठ रहा है सबके मन में, वो है वेन्यू को लेकर कि आखिरकार आईपीएल 2020 खेला तो जाएगा लेकिन कहाँ पर खेला जाएगा। क्या इंडिया में खेला जाएगा, क्या न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, क्या श्रीलंका में खेला जाएगा, या फिर यूएई में खेला जाएगा। तो दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ मना कर दिया है कि वर्ल्ड कप 2020 जो है वो इस साल हम होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों आईसीसी ने अभी उस पर कोई भी मोहर नहीं लगाई है। लेकिन बीसीसीआई जो है वो अब वर्ल्ड कप 2020 को कैंसिल मान के ही चल रहा है। इससे अब यह चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि बीसीसीआई जो है वो अब आईपीएल 2020 कराने की तैयारी में लग चुका है। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई आईपीएल 2020 कराए तो कहाँ कराए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इस साल आईपीएल हमें यूएई में खेला हुआ नजर आने वाला है, और दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड विंडो की बात की जाए तो आईपीएल हमें 26 सितंबर से लेके 8 नवंबर के बीच खेला हुआ नजर आने वाला है। लेकिन दोस्तों क्या यह मैच दर्शक देख पाएंगे, तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि दोस्तों आईपीएल 2020 यूएई में तो खेला जाएगा लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आईपीएल 2020 होना चाहिए या फिर नहीं, और आप अपनी फेवरेट टीम का नाम भी कमेंट में बताएं।